नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवन न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य अजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं खदही पंचायत में। रीता देवी जी यहां से चुनावी मैदान में हैं। प्रतिनिधि के तौर पर रूबरू हो रहे हैं धनंजय पांडे जी। धनंजय पांडे जी, सबसे पहला सवाल है कि आप राजनीति में क्यों आ गए? राजनीति में हम लोगों बहुत से लोग कहे कि अपना विभाग आजमाइएगा। हम जनता से राय लिए, जनता बोली, जनता के सुझाव से हम अपना राजनीति में आ गए। जनता तो सबको कह सकती है, वैसे में आपकी भावना क्यों आ गई राजनीति करने की? हमको भावना ऐसा है कि देख रहे हैं कि लोग जीत कर जाते हैं, 5 साल अपना रोटी सेकते हैं, जनता को कोई नहीं देखते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये 5 साल में क्या क्या होता है, कि उसको थोड़ा देखें कि हम कैसे उसको मेंटेन कर पाएंगे और जनता के सामने अपना विकास कर पाएंगे। इसलिए हमको मन में ये है कि जनता को ऐसा हम दिखाएं कि हम विकास करें, कि 5 साल तक जो कि 10 साल रहे, 15 साल रहे, वो 5 साल में कर हम दिखाएँ, यही हमारा उम्मीद है। ज्यादा शिकायत मिलती है कि फंड कम आते हैं, तो वैसे में आप कैसे ज़्यादा काम कर पाएंगे? फंड आता है, फंड कम नहीं आता है। काम कराने का सोच अलग है लोगों का, ऐसा सोच है फंड आया। मानिए हमारे पंचायती में देख रहे हैं कि एक खदही गांव है, जो दक्षिणी खदही बोलते हैं उसको, वहाँ पर एक खाड़ है, खाड़ में पुल भी नहीं है, वहाँ के लोग वहाँ पर रास्ता भी नहीं है, वहाँ जाने में पैदल जाने में 1 फीट पानी रहता है, पाक रहता है। हम कल ही गए थे वहाँ पे, देखे जो कि वोट ले लेते हैं सब, मुखिया हो या कोई भी BDC हो, और वहाँ का जनता को आप देखिएगा या लोग देखेंगे, वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने आने का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो ये भी देखते होंगे कि शिकायतें मिल रही हैं, काफ़ी कुछ क्षेत्रवाद की बातें भी नज़र आ रही हैं, कहीं कहीं पे गांव-गांव में भी द्वेष दिख रहा है, एक गांव में काम हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ है। आप चुन के आते हैं तो क्या सुधार करेंगे? जहाँ जहाँ देखेंगे रास्ता खराब है, रास्ता नहीं है, चाहे और लोगों का जो सुविधा होगा, अपने अस्त्र शस्त्र से लगा कर जीव जान लगा के हमको पूरा करेंगे। क्या क्या कमियां रह गई हैं अभी गांव में घूमने के दौरान? केवल आप सड़क पे चर्चा करें, और क्या क्या कमियां रह गई हैं गांव में? कमियां बहुत सी हैं, बहुत से, क्या बोलते हैं, यहाँ पर पैसा आया हर चीज़ फंड का, और उसमें कोई विकास नहीं हुआ। ऐसा देखिए कि ये बाथरूम जो सरकार ने दिया, आज बता दीजिए ये कौन सा बाथरूम चालू है? एक नल जल योजना भी है, ये भी वही है, बस दिखावे में हो गया। हमारे ही आके देखिए, महीना में 5 दिन या 6 दिन पानी आता है, कभी मोटर खराब होता है, कभी पाइप फटता है, तो कभी कुछ होता है, ऐसी ऐसी दिक्कत हो जाती है। हर गांव में जाकर देखिए, इंदिरा आवास में भी, मनरेगा में भी लोगों को रोजगार मिला होगा, लोगों ने काम भी किया होगा, तो क्या सुधार हुआ इसमें? इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ। मनरेगा में क्या होता है, हम देखें कि लोग पासबुक खुलवा लेते हैं, उसके खाते पर पैसा आ जाता है, वो 100-200 रुपया देकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, उनसे ले लेते हैं, और उसी में कोई वैसा आदमी रहता नहीं भी देता है,
पांडे जी, आखिर वो अपने हाथों से देते होंगे, इसके लिए क्या प्रूफ है? आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सच कह रहे हैं। बहुत से आदमी ऐसे बोले हैं हमको, यही हमको देखना है कि ये सच वास्तविक। जीतेंगे तो क्या करेंगे? हम पहले जनता का जितना काम है उतना काम जो कम होगा उसको पूरा करेंगे, और उसको दिखाना है हमको। नए प्रत्याशी हैं धनंजय पांडे जी, इनकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं, भाग्य आजमा रहे हैं। जनता देखती है, जनता जवाब देती है, जनता का फैसला क्या होगा यह आने वाला परिणाम ही बताएगा। तब तक के लिए गोपालगंज से कौशल माटी के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmati.com।